सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार के जनमंच कार्यक्रम के साथ मंत्रियों के रवैये पर ऐतराज जताया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि चाहे जनमंच हो या फिर सरकारी कार्यालय, सभी जगहों पर मंत्री के बेटे की सरकारी कर्मचारियों को डांट फटकार कर चुटकी ली है और कहा कि जो लोग जनता ने नहीं चुने हैं उन्हें कर्मचारियों को सत्ता की धौंस नहीं दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बेइज्जत नहीं करना चाहिए और ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार में अधिकारी और कर्मचारियों को डांटने के लिए एक एजेंडा लेकर सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव के चलते कई अधिकारियों ने रिटायरमेंट ले ली है तो कईयों ने काम करना छोड़ दिया है और कहा कि आज प्रदेश का कर्मचारी तबका निराश चल रहा है और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को छला गया है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी के नेता लोग प्रचंड बहुमत मिलने के चलते घमंड में हैं, लेकिन नेताओं को समझना चाहिए कि लोग ही सत्ता में लाते हैं और लोग ही गिराते हैं। है कि जब से सरकार आई है मुझे लग रहा है कि अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों उनको डांटना सरकार जो है अपना एक एजेंडा लेके चली हुई है। आप जनमंच में देख लो या कहीं बाहर देख लो और कई अधिकारी जो हैं उनको इतना डांटा गया है कि उन लोगों ने रिटायरमेंट ले ली, कईयों ने रिजाइन कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को अगर अधिकारी को किसी को भी कर्मचारी को कोई काम बताना है तो उसकी अगर आप काम कर रहे हैं कि इसको काम को कर दो, धन की व्यवस्था है नहीं, धन की जो है बजट की कोई व्यवस्था नहीं है तो अधिकारी कहाँ से करेंगे। आज जो है मुझे लग रहा है कि प्रदेश का जो कर्मचारी और तबका है ये भी सरकार से निराशा के आलम में है और निराशा लोगों को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि आज सरकार जो है, सरकार जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ और प्रचंड बहुमत इनको मिला और राष्ट्रवाद के नाम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया और यही कारण है कि आज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता लोग हैं, वो पूरे घमंड में है कि लोग जो हैं हमारे साथ हैं और हमें प्रचंड बहुमत मिला है, परंतु यही लोग हैं जो सरकारें बनाते भी हैं और सरकारें गिराते भी हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लोग जरूर जो है उनको अपना स्थान जो है वो दिखाएंगे। रणी लगता है काम से ट्रांसफर का झांसा देकर बोला जा रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे। लगता नहीं कि हिमाचल में नई रीत है कि बेटे अब बैठ के लोगों को डरा रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि इवन कि मंत्री भी कोई हैं या कोई एमएलए भी हैं, सरकार में भी हैं, तो उन लोगों को भी एक कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों उनका मान सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खामखा किसी को डांट देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की इज्जत है, उसका मान सम्मान है, उसके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंचती है तो ऐसा अधिकारी किसी को नहीं दिया है। आप कागजी कार्रवाई करो, कोई काम नहीं करता है तो उस पर आप कानूनी कार्रवाई करो, आप एक्शन लो, डिपार्टमेंटल एक्शन लो, पर किसी भी आदमी को बेइज्जत करना जो है ठीक नहीं है। और दूसरा, जो लोग इलेक्टेड नहीं हैं और जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसा लोग करते हैं तो मुझे लग रहा है कि समाज के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से इस संख्य रिपोर्ट। मीटिंग्स स्पेशल इंटरेस्टिंग क्लोज एंड पर्सनल New relations are born at Nexa. A new destination. A new experience. Nexa. लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।